अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एफएससी पार्ट टू का पेपर पैटर्न, पेपर्स की पेपर को अटेम्प्ट करने के मेथड्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं पेपर पैटर्न और 2023 की पेपर स्कीम की तरफ। स्टूडेंट, आपको पता है हमारा जो एनुअल पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 आवर्स होते हैं। अब ये टोटल टाइम और टोटल जो पेपर है ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब हम इसकी तरफ देखते हैं। स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं टोटल 17, एक एमसीक्यू का एक नंबर। तो स्टूडेंट टोटल नंबर हो गए 17, इन 17 एमसीक्यूज को सॉल्व करने और बबल्स फिल करने के लिए आपके पास टोटल 20 मिनट्स होते हैं। अब ये 17 एमसीक्यूज को किन चैप्टर्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब हम इसकी तरफ देखते हैं। सो आपको पता है हमारे पास सेकंड ईयर में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक। अब इसमें चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 21 में से दो दो एमसीक्यू आने वाले हैं, जबकि चैप्टर नंबर 13, 17 और 20 में से सिर्फ एक एक एमसीक्यू आने वाला है, और ये हो गए हमारे टोटल 17 एमसीक्यू की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं मेरे बच्चों सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन हमारा फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन नंबर 1 जो हमारा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। हमारे पेपर में टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और हमने 22 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये 33 क्वेश्चंस जो है ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हम उसकी तरफ देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इन क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर 12, 14 और 21 में से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 13, 16, 17 और 18 में से आने वाला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो चैप्टर 15, 19 और 20 में से आने वाला है। अब इनमें से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो स्टूडेंट देखें चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 में से टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 + 4 + 4 ये हो गए 12, और आपने इन 12 में से अटेम्प्ट करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें चैप्टर 13 में से, 16 में से, 17 और 18 में से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 3 + 3 + 3 n + 3 ये टोटल हो गए 12, और इनमें से भी 12 में से आपने अटेम्प्ट करने टोटल 8 क्वेश्चन। और जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चैप्टर 15 में से 4 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 19 में से 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 20 में से 2 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल बनते हैं स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन, यानी 9 क्वेश्चन, और आपने इन 9 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने टोटल 6 क्वेश्चन। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 2 जो कि हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन का। स्टूडेंट, आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 5 आते हैं और आपने उन 5 में से किसी 3 का आंसर करना होता है। अब हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 4 तक खत्म हुए थे, अब क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है फिजिक्स में 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर 12 और 13 में से होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल आएगा या 13 में से। सुन, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं होती, चैप्टर 12 में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, चैप्टर 13 में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, या किसी से भी थ्योरी आ सकती है। बस हमें इतना पता होता है कि चैप्टर 12 और 13 का आपस में कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 14 और 15 का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पेयर बनेगा 16 और 18 का, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 17 और 19 का, जबकि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो चैप्टर नंबर 20 और 21 में से होने वाला है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के मेथड्स की तरफ। सबसे पहले आपको पता है कि आपको पेपर में एमसीक्यूज का पेपर मिलेगा, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, फेस शीट को कंप्लीट करने के बाद, उसकी बबल्स फिल करने के बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर सबसे पहले नजर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब आपको पता है मेरे बच्चों सबसे पहले आपके पास सेक्शन 1 है, तो आप कुछ इस तरह से यहां पर सेक्शन 1 की हेडिंग देंगे। सेक्शन 1 के बाद आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने एमसीक्यूज में सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप यहां हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सपोज कर ले आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसका पार्ट्स 12 है और आपको 12 में से 8 सॉल्व करने, लेकिन आपको 12 में से सबसे पहले पार्ट 2 आता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कुछ इस तरह से पार्ट 2 की हेडिंग देनी है। अब हम क्या करेंगे इस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें हर तरह के आने वाले क्वेश्चंस की एक एक एग्जांपल कोट करेंगे ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन को लिखने का मेथड आ जाए। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ आया चैप्टर नंबर 13 से, डू बेंजीना वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपको पता है इसमें उसने यस और नो में हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपने क्या किया इसका आंसर लिखा नो, बेंजीना वायर डू नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे
अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहा था कि हम येस और नो में आंसर दें। बच्चों याद रखिएगा, येस और नो लिखने का आपके पेपर में आधा यानी कि हाफ या फिर एक मार्क होता है। तो आपने क्या करना है, येस या नो को मार्कर से लिखना और बाकी इस तरह से आपने उसका क्या करना है, आंसर कर देना है। आंसर लिखने के बाद आप इसका रीजन लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह से रीजन की हेडिंग देंगे और रीजन की हेडिंग देने के बाद आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, आपने गौर किया कि इसमें हमें एक अदद फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो सुनो याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है, तो जहां पर फॉर्मूला डिमांड कर रहा है वो क्वेश्चन तो लाजमी लिखें क्योंकि उसका नंबर होता है। और जिस शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला है उसमें हमें हम उस फॉर्मूले को बोल्ड करके मार्कर से लिखेंगे। अब फ्रेंड्स देखें, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ मेन मेन पॉइंट्स इस तरह के होते हैं जो कि पूरे क्वेश्चन की जान होते हैं, पूरा क्वेश्चन उन्हीं की वजह से इफेक्टिव हो रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो मेन मेन पार्ट्स हैं, मेन मेन पॉइंट्स हैं, उनको मार्कर से कुछ इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे पूरे दो मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इससे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब सपोज कर लें, अब हमें आता है क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्या किया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे ली। अब ये जो दूसरी तरह का क्वेश्चन है इसमें हमें कहा गया है कि डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव यू अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 13 से है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसके सर्किट का नाम लिखा, नाम लिखने से ही आपको एक नंबर मिल गया। आपने फिर क्या किया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी और इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन के यहां दो नंबर मिल जाएंगे? बच्चों नहीं, हमें इस क्वेश्चन के दो नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायग्रामेटिकल होते हैं और उसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर जगह पर यहां डायग्राम बनाई और कुछ इस तरह से मार्कर के साथ हमने इसको स्क्वायर बॉक्स में इंक्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमें डायग्रामेटिकल क्वेश्चन में पूरे दो नंबर हमने हासिल कर लिए। अब हम चलते हैं तीसरी तरह के क्वेश्चन की तरफ। अब सपोज कर ले हमें इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आता है और हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ हेडिंग दे दी इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन कहा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 में से है। आपने क्या किया, एक तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की हेडिंग दी और उनकी डेफिनेशन लिख दी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में एक एक पॉइंट लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद अगर तो उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो हम दरमियान में कुछ इस तरह से लाइन लगाने के बाद हम मैथमेटिकल स्टेप की हेडिंग देंगे और दोनों तरफ उसके फॉर्मूला लिख देंगे। फिर अगर उनका कोई कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, दरमियान में इस तरह कांस्टेंट्स की हेडिंग देकर दोनों तरफ उसके कांस्टेंट मेंशन कर देंगे। उनके नेचर को हमने डिस्क्राइब करना है, उनकी शील्डिंग को हमने डिस्क्राइब करना है। तो जिस तरह के हमारे पास जो जो हमने उनके पॉइंट्स लिखने हैं तो हम इस तरह से उनकी हेडिंग देंगे और इस तरह से अपने डिफरेंस वाला क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखने के बाद हमें डिफरेंस वाले क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके आपको साइड पर नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं आखिरी तरह के क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। अब एग्जांपल ले लें कि आपको इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आता है तो आप पार्ट 12 की हेडिंग इस तरह देंगे। पार्ट 12 में आपसे कहा गया है कि डिफाइन इंपीडेंस। अब देखें इंपीडेंस कि सिर्फ उसने आपसे डेफिनेशन पूछी है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप डेफिनेशन लिखकर क्वेश्चन छोड़ दें। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से यहां इंपीडेंस की हेडिंग देंगे। इंपीडेंस की हेडिंग देने के बाद आप उसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे, लेकिन यहां तक लिखने का शायद आपको सिर्फ एक नंबर मिले। आप उसके बाद अगर तो इंपीडेंस का या फिर किसी भी डेफिनेशन का जो आपसे पूछी गई कोई फॉर्मूला है तो जरूर मेंशन करें। उसका एसआई यूनिट है तो उसको भी जरूर मेंशन करें। उसके डिपेंडिंग फैक्टर, डिपेंडेंस वाले फैक्टर हैं तो उनको मेंशन करें, तब जाकर आपको डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे हर तरह के पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह की टाइप हमने इसमें डिस्कस कर ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 की तरफ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 5 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप कुछ इस तरह से सेक्शन नंबर 2 की हेडिंग देंगे और सपोज करने आपको पहला ही क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आता है तो आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देंगे। अब आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपने सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले यहां कुछ इस तरह से पार्ट ए की हेडिंग दे ली। अब सपोज कर ले आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी गई है तो आपने कुछ इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और कुछ इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। अब डिफाइन करने के बाद आपको यहां से एक या आधा नंबर इसका मिल गया। अब हम चलते हैं फर्दर इसकी थ्योरी और इसकी कैलकुलेशन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की और एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी जो जरूरी थ्योरी है हम यहां पर ऐड करेंगे। क्वेश्चन के नेचर के मुताबिक जिस तरह की भी आपसे थ्योरी पूछी गई है आप उसमें मेंशन करेंगे और क्वेश्चन की थ्योरी मेंशन करने के बाद प्रॉपर जगह
फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे और उसी शॉर्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप इसकी डायग्राम को एक स्क्वायर बॉक्स में इंक्लोज कर देंगे। अब इसको इंक्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम यहां प्रॉपर हेडिंग देंगे डेरिवेशन की, और इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करने के बाद हम इसका जब फाइनल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे तो यहां हम सवाल को कंक्लूड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिजिक्स में अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंक्लूजन मांगते हैं, तो जब तक हम उनके कंक्लूजन उनके रिजल्ट नहीं लिखते तब तक हमें 5 नंबर पूरे नहीं मिलते। तो हम क्या करेंगे इस स्पेशली इस क्वेश्चन में, जैसे कि हमने इसका फाइनल फॉर्मूला तो लिख दिया, अब कुछ हमारे फाइनल रिजल्ट्स हमारे कुछ इससे रिलेटेड निकले हैं, तो हम क्या करेंगे प्रॉपर कंक्लूजन या फिर रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद प्रॉपर इसके रिजल्ट्स लिखेंगे और हम इस सवाल को इस तरह एंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुकम्मल, और बाकी क्वेश्चन जो भी आएंगे हम उनके नेचर के मुताबिक उसका आंसर करेंगे, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स थे हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं अपने पेपर के सबसे आखिरी पोर्शन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो है वो पार्ट बी है जो कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने क्या किया, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा मेंशन किया और डाटा के बाद उसके में से जो हमने फाइंड करना था वो चीज मेंशन कर दी। स्टूडेंट यहां तक लिखने का हमें 3 में से आधा नंबर मिल गया। अब आधे नंबर के बाद हम यहां क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट प्रॉपर फॉर्मूला लिखने का भी फर्दर आधा नंबर यानी कि 0.5 मार्क होता है, तो यहां तक हमें 3 में से 1 नंबर हमने सिक्योर कर लिया। उसके बाद वैल्यूज पुट करने का और कैलकुलेशन करने का स्टूडेंट्स 1 नंबर होता है। हमने क्या किया, पिछला हाफ हाफ और 1, ये हमारे पास टोटल हो गए 2 मार्क्स, तो बाकी 1 नंबर कहां गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा न्यूमेरिकल करेक्ट आंसर और प्रॉपर यूनिट लिखने का आधा और आधा यानी कि 1 नंबर होता है। तो ये चीजें लिखने के बाद हम अपने आंसर को प्रॉपर बॉक्स में इंक्लोज करेंगे और इस तरह से हम अपना न्यूमेरिकल में 3 नंबर लेने के कामयाब हो जाएंगे।